चंदोली आशुतोष मिश्रा के खुदकुशी के मामले में उसके भाई ने हत्या का इल्जाम पुलिस कर्मियों पर लगाया है, क्योंकि पुलिस कर्मियों से लड़ाई व कंप्यूटर कक्ष में तैनात सिपाही से गाली गलौज के बाद ही हुई है मौत। आपको बताते चले, मुगलसराय कोतवाली में तैनात सिपाही आशुतोष मिश्रा 2016 बैच का सिपाही था, जो बांदा जिले का निवासी है। आज सुबह 4 बजे खुदकुशी करने का मामला सामने आया, जिसकी पुलिस द्वारा जांच करवाई जा रही है, लेकिन उसके भाई दिलीप कुमार द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उससे 2 दिन शाम को बातचीत के दौरान ये बताया था कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद कंप्यूटर में तैनात सिपाही राम कुमार राम के साथ भी गाली गलौज होने के बाद ये हुआ। ये बात भाई को बताने के बाद रात में अपने भाभी से ही पर्चा की, लेकिन सुबह जब परिजनों को ये पता चला कि उसने खुदकुशी की है, तो परिजन मौके पर आकर सारी सच्चाई बताई और उसकी हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की, वो खुदकुशी नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है क्योंकि यदि वह आत्महत्या करता तो उसकी राइफल उसके हाथ में नहीं होती, वह कहीं ना कहीं दूर जाकर गिरती। अब देखना यह है कि इस मामले को चंदोली पुलिस किस प्रकार लेकर मामले की छानबीन करती है, यदि हत्या हुई है तो इस हत्या में कौन कौन शामिल है और किस प्रकार हत्या हुई, इसका भी अभी तक एक रहस्य ही है। आपका नाम? सर मेरा दिलीप कुमार नाम। कैसे हुआ है, आप कौन हैं उनके? सर मेरा छोटा भाई है, एकमात्र वही सहारा था। सर 2 दिन पहले बात हुई थी, खूब अच्छे से बात किया था, कह रहा था कोई दिक्कत नहीं है और मैं शादी होनी है एक रिश्तेदार में, उसमें आने का मन कर रहा था, और बताया था कि 2 पुलिस वालों से लड़ाई हुई थी और किसी से गाली गलौज हुआ था, और फिर उसके बाद रात में राम सागर नाम करके हैं कंप्यूटर में सिपाही, और एक राम किशुन राम कुमार ऐसे करके कोई सिपाही हैं, कह रहा था उनको मैंने गाली गलौज किया है। तो फिर इतना फोन और हालचाल पूछ करके फोन वो कर दिया था, हंसी खुशी पूछ करके, और फिर सर रात में भाभी को फ़ोन किया था अपनी, उनसे कह रहा था मेरी शादी करवाइए अब, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमसे फ़ोन करता था। और आपका ना तो उसने घटना के पहले ना तो उसने हमसे फ़ोन में बात किया 1 दिन 2 दिन पहले से, अगर ऐसी कोई बात होती कम से कम हमसे बात करता। और ये मर्डर किया गया है उसका, रात में सुबह 4 बजे बता रहे हैं लोग, पूरी बात नहीं बता रहे, आत्महत्या लिख करके और हमसे लिखवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं। अरे उसकी जांच हो कि कैसे क्या हुआ, राइफल अगर करता, राइफल दूर गिरती, उसके हाथ में टच कैसे रखी है बताइए, मैं करूंगा ऐसे मारूंगा गिरूंगा तो राइफल जाने कहां ना गिरेगी। तो सर मेरे भाई का मर्डर हुआ है।